हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे होंगे? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और साथ में आज थोड़ा दूसरा ही नज़ारा आप लोग को दिखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट देख रहे हैं आप लोग मेरा बाल को, अभी जस्ट अभी कटिंग की है, सैलून पे आए थे और अभी जा रहे हैं घर। तो चलिए अभी जाते हैं घर, पैदल पैदल आए थे और जस्ट करीबन हो गया यहाँ पे आके, एक डेढ़ घंटा हो गया नाश्ता करके आए थे और अभी जस्ट जा रहे हैं अभी घर, पैदल आए थे। तो अभी चल चल के जा रहे हैं और अभी वहाँ नहाएंगे। तो चलिए नहाने के लिए दोस्तों, बाल काट के आ गए गाड़ी, मतलब बाइक में। एक तो भैया आ रहा था वहाँ, मतलब दुकान गया था तो उधर से आ रहा था बाइक में, तो हम उसका बाइक में बैठ के आ गए। और साथ में यहाँ आने के बाद ही एक तो चाची ने दो तो मेरे को आम दिया, और आम देने के बाद अभी एक भाई बोला कि चलो अभी नहाने के लिए जाएंगे। तो चलिए अभी जाते हैं घर और ड्रेस व्रेस ले लेते हैं, उसके बाद ही नहाने के लिए निकलते हैं। दोस्त अब घर से निकल गए, अभी साबुन तेल लेके और अभी जा रहे हैं नहाने के लिए। तो चलिए अभी जाते हैं नहाने और आप लोग को भी दिखा रहे हैं, इसी ब्लॉग पे आप लोग को दिखने को मिल जाएगा आज का डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग किस प्रकार से क्या होता है। चलिए तो नहाना मेरा हो गया, और नहाना होने के बाद अभी थोड़ा मतलब तालाब से दूर थोड़ा आ गया, और आने के बाद अभी जस्ट घर के बगल में पहुँच गया। और चलिए अभी जाते हैं घर, घर चल के अभी थोड़ा खाना वाना खा लेंगे। चलिए सबसे पहले घर जाते हैं। दोस्त घर आ गया, नहाने के बाद घर आ गया। घर आने के बाद अभी जस्ट खाना वाना भी खा लिया, ड्रेस व्रेस भी पहन ली, और साथ में जो भींगाए थे कपड़ा सबको वो भी गांड दिया। और साथ में अभी जस्ट बैठे हुए हैं घर में, और जस्ट अभी सोने के लिए मतलब बहुत ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आज लाइन करंट नहीं होने की वजह से मोबाइल चार्ज करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, और साथ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये देख सकते हैं मोंटू भाई मस्ती करते हुए बाहर में अभी निकला है, गर्मी की वजह से बाहर में ही घूम रहा अभी भी। तो दोस्तों थोड़ा वेट करने के बाद लाइन आ गया हम लोग, ये देख सकते हैं अभी फैन स्टार्ट हो गया। साथ में अभी मतलब सोने में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी का बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए अभी सोने में दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो रहा कि लाइन बहुत देर से नहीं होने की वजह से गर्मी में नींद भी नहीं आ रहा था। और देख सकते हैं आप लोग फैन अभी चालू हो गया ऊपर, देख सकते हैं फैन अभी ये मतलब करंट आ गया। करंट आने के बाद अभी थोड़ा मतलब गर्मी में से थोड़ा राहत मिलेगा, और साथ में अभी सोने में भी मज़ा आएगा। और साथ में उस टाइम गर्मी नहीं, गर्मी बहुत ही लगने की वजह से मन नहीं कर रहा था सोने में, जैसे लग रहा था कि बाहर में जाएंगे कहीं मतलब पेड़ के छांव में बैठने के लिए। तो जस्ट अभी लाइन आ गया, इसलिए चलिए अभी सोते हैं अच्छी तरह से। तो मोबाइल को भी चार्ज में बैठा के सोते हैं, क्योंकि मोबाइल नहीं चार्ज होने की वजह से ब्लॉगिंग शूट करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। चलिए सोते हैं। दोस्तों घर से बाहर निकल के, निकलने के बाद ही थोड़ा देख रहे हैं कि मतलब करंट नहीं होने की वजह से घर से निकल के, निकलने के बाद ही मतलब देख रहे हैं कि मौसम आज भी ख़राब हुआ है। और मौसम ख़राब होने का मतलब रीज़न था कि कल भी मतलब बारिश क्या होता है उसी वजह से आज भी मौसम ख़राब हो गया। और साथ में जैसे लग रहा है कि आज भी बहुत ही ज़ोर से पानी वाला आने वाला है, देख सकते हैं चारों साइड का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से अब पानी आने वाला है। जस्ट बादल भी गरजता हुआ थोड़ा थोड़ा आ रहा, सोलो सोलो गरज रहा। तो चलिए देखते हैं बाद पानी आता है कि नहीं। दोस्तों कुछ देर बाद वेट करने के बाद फाइनली अभी पानी गिरना स्टार्ट हो गया, और साथ में पानी इतना सोलो गिर रहा कि मतलब हम लोग का तालाब भी नहीं भरेगा। साथ में कुछ मतलब इतना कम पानी गिर रहा कि मतलब जमीन भी नहीं भींग रहा, ये देख सकते हैं जमीन भी सूखा का सूखा ही वैसा ही के वैसा ही। और साथ में गर्मी भी लगेगा, और साथ में भाप भी हो जमीन से ऊपर की ओर मतलब खींचेगा, फिर इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी दे रहा। और साथ ही चलिए अभी पानी कितना कर रहा है आप लोग को इसी ब्लॉग पे दिखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए एंड तक आज का ब्लॉग का आप लोग, और देखते रहिए। देख सकते हो दोस्तों अभी आम का पेड़ के नीचे जा रहे हो, आम अभी गिर गया है, और साथ में बहुत भी ज़्यादा था जोर जोर से हवा दे रहा। ये देख सकते हैं चाची एंड दादी और इन मोंटू भाई आम को गुड़ाने के लिए गए हैं। दोस्तों अभी आम का पेड़ से अभी घर जा रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब खाना खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अभी दोपहर का जो हम लोग खाते हैं डेली, मतलब भूख लगने की वजह से अभी थोड़ा दोपहर को भी खाना पड़ता है नाश्ता नहीं होने की वजह से, चलिए अभी खाना खा लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अभी पानी के आने की वजह से थोड़ा बेल उल सब भी इधर गाँव तरफ आ गया, देख सकते हैं उधर भी है मंदिर के बगल में है, और देख रहे पूरा हवा चल रहा। दोस्तों खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद ही घर से अभी निकल गए, अभी जा रहे हैं मैदान तरफ, अभी वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए होंगे भाई लोग। अभी चलिए अभी मैदान जाते हैं, अभी शाम के अभी 4 बज रहा है, तो चलिए अभी जाते हैं, और बहुत हवा भी चल रहा है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों आप घर से निकल गए, मैदान तो गए थे लेकिन मैदान में हम लोग का दूसरा डिसाइड हो गया, और मतलब मैदान में खेलने के लिए आए भी नहीं है, तो अभी हम लोग को दूसरा डिसाइड हो गया, और अभी जा रहे हैं हम लोग दूसरा लोकेशन पर
में अभी हम लोग एडवेंचर कैंप के वह बगल पे जा रहे हैं कि अभी थोड़ा रील्स वगैरह शूट करेंगे, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक को दिया रहेगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं रील्स। तो चलिए अभी जाते हैं बगान। दोस्तों अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए और अभी आज शूट करने वाले गांव के ही, मतलब ऐसा हम लोग का गांव में टाटा स्टील एडवेंचर के नाम से जो कैंप मतलब बना हुआ, तो हम लोग का गांव में कैंप होने की वजह से अभी आए हैं कैंप तरफ तो शूट मतलब काम चलने की वजह से शूट नहीं कर पाए, और इसलिए हम लोग का गाँव का जो बागान है आम बागान एवं जो तुमुंग पहाड़ का डूंगरी है, तो वहाँ पर आए हैं। तो चलिए आज यहाँ पर आज शूट कर लेते हैं और कल परसों किसी और दूसरा जगह करेंगे, तो वो भी आप लोग को शूट पे दिखने को मिल जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग रील्स सब देख सकते हैं। तो चलिए आज आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये है मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन आए हैं गौनाथ, जो मेरा भाई है मतलब घर का ही बगल का, ये मेरे को बहुत ही सपोर्ट करता है। आप लोग भी मतलब मेरा अगर मतलब वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। चलिए अभी आज का रील शूट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे शूट करने वाले हैं ये जगह है, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जगह दिखने को मिल रहा, तो यहाँ पे आज शूट करने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम में जाके लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो शूट सेटअप मतलब शूट करने वाला है लोकेशन ये है, देख सकते हैं तुमुंग पहाड़ का जो पीछे का बैकग्राउंड, अभी जो जस्ट पानी गिरा इसी के बाद में थोड़ा अच्छा सा दिख रहा। तो चलिए आज का शूट कर लेते हैं रील्स। दोस्तों हम लोग का जो रील शूट होने वाला था वो इंस्टाग्राम का रील्स हम लोग शूट कर लिया, और शूट करने के बाद हम लोग का करीबन हो गया अभी 5:10 हो रहा, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो अब आज मतलब हम लोग का गांव में चापाकल बना था, मतलब करीबन हुआ 1-1.5 घंटा पहले ही बनाया, लेकिन बनाने का जो मतलब खराबी जो कुछ भी था वो बना लिया, लेकिन फिर भी बाद में खराबी निकल गया, पूरा अच्छे तरह से नहीं बनाया था, तो इसी की वजह से अभी मेरे को कॉल किया था, तो अभी जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी रील्स को छोड़ के ही मतलब रील्स को नहीं पूरा करके ही मतलब जा रहे, जो कुछ भी बनाया होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा इंस्टाग्राम का, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम में। चलिए जाते हैं सबसे पहले अभी गांव। फाइनली दोस्तों हम गांव पहुंच गए, पहुंचने के बाद देख सकते हैं रिपेयरिंग का काम चालू है, देख सकते हैं गाड़ी लेके आए हैं उन लोग। दोस्तों शाम के टाइम हम करीबन गए थे हम लोग 7 बजे, रात के होने से उसके वजह से हम लोग नाश्ता मन करने के लिए गए थे तुमुंग चौक। जो आज का कैमरामैन था मेरे साथ गौनाथ भाई और एन मंटू भाई दोनों को लेके गए थे नाश्ता करने के लिए, उन लोग को भी नाश्ता करवा दिया और आगे घर। दोस्तों रात का करीबन अब बज रहा है 9, और आज का ब्लॉगिंग को यही करते हैं एंड। आई होप कि आज का ब्लॉगिंग आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा गुड नाइट एवं बाय बाय आप सभी को।